आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं, बड़ी खबर इस वक्त आ रही, गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं जारी हैं। सूत्रों की माने तो राजनीतिक नियुक्तियां, मंत्रिमंडल संगठन को लेकर एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत लागू किया जाएगा और इससे जुड़ा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो अजमेर का बताया जा रहा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी करने गए थे। इस दौरान अधिकारियों से चर्चा में गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुझसे जो विभागीय काम करवाना है जल्दी करवा लीजिए, मैं 5-10 दिन का मेहमान हूं। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन और राजनीतिक नियुक्तियों में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू किया जाएगा। सूत्रों की माने तो गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ बने रहेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री का पद उनसे लिया जा सकता है। आपको सुनाते हैं वायरल वीडियो में गोविंद सिंह डोटासरा आखिर कह क्या रहे हैं। मेरे गाल 1 घंटे बाइल नहीं रुकेगी, आप सोमवार को आ जाओ, हम मैं आता हूँ, 1 मिनट में निकाल देंगे जितनी कहो। मैं 2-5 दिन का मेहमान हूँ, तो मेरे से कराना करा। मेरे गाल 1 घंटे बाइल नहीं रुकेगी, आप सोमवार को आ जाओ, हम मैं आता हूँ, 1 मिनट में निकाल देंगे जितनी कहो। मैं 2-5 दिन का मेहमान हूँ, तो मेरे से कराना करा। शशि मोहन शर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। शशि, वाकई में ये बहुत बड़ा संकेत दे गए गोविंद सिंह डोटासरा। ये संजय बहुत बड़ा संकेत है और साफ तौर पर जो संशय था कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा या फेरबदल होगा, पहली बात तो ये साफ हो गई है कि फेरबदल होगा, यानी कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो रही है, जिसमें से गोविंद सिंह डोटासरा भी मंत्रिमंडल से बाहर हो रहे हैं, मंत्रिपरिषद से बाहर हो रहे हैं। और दूसरी चीज, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत जहां तक बात है, ये कांग्रेस में पहले से चल रहा है, लेकिन ये गोविंद सिंह डोटासरा की उपलब्धि है जो वो एक साल तक इस एक मंत्री एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को दरकिनार करते हुए अपने दोनों पदों को 1 साल से ज्यादा समय तक खींच गए। लेकिन अब इस वीडियो को बीजेपी ने वायरल करना शुरू कर दिया। दरअसल बीजेपी भी चुटकी ले रही है, प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये गोविंद सिंह डोटासरा का नया अवतार दिख रहा है, जिसमें वो भविष्य वक्ता के रूप में भी नजर आ रहे हैं और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि आगे और क्या क्या भविष्यवाणियां गोविंद सिंह डोटासरा करने वाले हैं। देखिए, दरअसल फेरबदल होना था, विस्तार होना था, ये सारी बातें आ रही थी, लेकिन इस रूप में होगा। और अब ये भी मोहर लग गई है कि ये तय बात है कि अब चंद दिनों का इंतजार है, जो भी नाराज खेमा है, विरोधी खेमा है, जो साइडलाइन हो गया है, उसका भी अब कुछ दिनों का इंतजार बाकी है। लेकिन ये डोटासरा को पहले से बता दिया गया है और उनकी सहमति ले ली गई है मुख्यमंत्री की तरफ से कि वो मंत्रिमंडल से ड्रॉप किए जाएंगे, क्योंकि केंद्रीय जो नेतृत्व है, पार्टी आलाकमान है, उनका भी उन पर दबाव रहा होगा। लेकिन बीजेपी इसको अपने तरीके से प्रचारित कर रही है। उनका कहना है कि आरएएस भर्ती में जिस तरीके से विवादों में गोविंद सिंह डोटासरा का नाम आया और भारतीय जनता पार्टी ने जो दबाव बनाया, उस दबाव के फलस्वरूप गोविंद सिंह डोटासरा को जाना पड़ रहा है। बीजेपी इस तरीके से इसको सोशल मीडिया पर वायरल भी कर रही है और प्रचार भी कर रही है। जी संजय, बिल्कुल सही आपने कहा, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर है और बड़े संकेत दिए गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा न सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार होगा बल्कि फेर बदल भी किया जाएगा और ये संभावना है कि एक व्यक्ति एक पद वाले सिद्धांत पर कांग्रेस पार्टी में हो सकता है कि पीसीसी की जिम्मेदारी गोविंद सिंह डोटासरा के पास रहे, लेकिन शिक्षा विभाग का प्रभार यानी मंत्रालय इनके हाथों से लिया जा सकता है। इधर जी राजस्थान की खबर का